जोमेटो जो कंपनी पिछले 3 साल से भारी नुकसान में थी, उस कंपनी का आईपीओ 1 साल पहले काफी जोर शोर से निकला था। अगर हम जोमेटो के पिछले 3 साल के घाटे के आंकड़े देखें तो 2019 में कंपनी को 964 करोड़ का नुकसान हुआ, 2020 में यह नुकसान 2367 करोड़ तक पहुंच गया और 2021 में जोमेटो को 812 करोड़ का नुकसान हुआ। इस सब के बाद भी जोमेटो की 1 साल पहले शेयर मार्केट में 76 से 79 के प्राइस पर लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद इसमें बम्पर उछाल देखा गया और उसका प्राइस 160 रुपए तक पहुंच गया था, जिससे इन्वेस्टर्स को काफी फायदा भी हुआ। लेकिन उसके बाद लगातार जोमेटो नीचे गिरता चला गया और इस वक्त अपने अब तक के सबसे लोएस्ट प्राइस 40 से 50 के बीच आ गया है, जिससे शेयर होल्डर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब सवाल ये भी है कि जब लोगों को शुरुआत से ही कंपनी के इतने सारे लॉसेस दिखाई दे रहे थे तो फिर लोगों ने जमकर इस आईपीओ के अंदर पैसा क्यों लगाया। आज की वीडियो में हम जोमेटो कंपनी का पूरा विश्लेषण करके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जोमेटो जैसे जबरदस्त फूड डिलीवरी स्टार्टअप का ये हाल कैसे हो गया। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर अभी जोमेटो के स्टॉक्स नीचे क्यों गिर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जोमेटो के स्टॉक को शेयर मार्केट में लिस्ट हुए 1 साल पूरा हो गया है, इसके साथ ही इसका लॉकिंग पीरियड भी खत्म हो गया है, यही इसके स्टॉक्स के नीचे गिरने का मुख्य कारण है। सवाल ये है कि 1 साल पूरा होने और स्टॉक के नीचे गिरने का क्या कनेक्शन है। इसे समझने के लिए हमें लॉकिंग पीरियड को समझना पड़ेगा। दोस्तों, जो लोग किसी भी कंपनी के शेयर मार्केट में शामिल होने से पहले कंपनी के शेयर्स का एक बड़ा हिस्सा खरीदते हैं, उन लोगों पर यह पाबंदी रहती है कि वह 1 साल बाद ही अपना शेयर बेच सकते हैं या अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसी 1 साल के समय को लॉकिंग पीरियड कहते हैं और जोमेटो का लॉकिंग पीरियड 23 जुलाई 2022 को पूरा हो गया है। तो जो भी इनसाइडर शेयर होल्डर्स थे उन्होंने भारी मात्रा में अपने शेयर बेच दिए हैं और अपना 1 साल से फंसा हुआ पैसा बाहर निकाल दिया है, जिससे इसके शेयर लगातार नीचे गिर रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि जोमेटो के 80% लॉक्ड शेयर थे और केवल 20% शेयर ही आम लोगों के खरीदने के लिए बाजार में उपलब्ध थे। तो इसका आगे क्या फर्क पड़ेगा और दूसरा, जोमेटो में ऐसा क्या चल रहा है कि बड़े शेयर होल्डर्स जोमेटो के शेयर बेचकर बाहर निकल रहे हैं, इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। उससे पहले हम एक बार जोमेटो की हिस्ट्री पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, जोमेटो 2008 में फूडी बे के नाम से शुरू हुआ था और उस समय ये फूड डिलीवरी नहीं सिर्फ रेस्टोरेंट के मेन्यूज दिखाता था और 2015 तक आप इसके जरिए केवल किसी रेस्टोरेंट में खाने की टेबल बुक कर सकते थे। 2011 में इसको पहली फंडिंग मिली, जिसके बाद जोमेटो ने कुछ अलग करने की सोची। उसके बाद फाइनली 2015 में इन्होंने फूड डिलीवरी बिजनेस के अंदर एंट्री कर ली। इस प्रकार शुरुआत हुई जोमेटो के फूड डिलीवरी स्टार्टअप की। आइए अब बात करते हैं जोमेटो के बिजनेस मॉडल की, यानी जोमेटो कमाई कैसे करता है। दोस्तों, जोमेटो ने अपने बिजनेस मॉडल को इस प्रकार डिजाइन किया है कि वह मुख्य रूप से 5 टाइप से कमाई करता है या रेवेन्यू जनरेट करता है, जिसमें से पहला है डिलीवरी बेस्ड इनकम। इसमें जोमेटो रेस्टोरेंट से आपके घर तक खाने की डिलीवरी करता है, जिसमें है आपसे डिलीवरी चार्ज लेता है और रेस्टोरेंट से कमीशन। इसके अलावा जोमेटो आपको डिस्काउंट देने के नाम पर भी कमाई करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिस्काउंट देने पर तो जोमेटो को नुकसान होना चाहिए, तो फिर उसे फायदा कैसे होता है? तो इसका जवाब ये है कि जोमेटो आपको जिस भी खाने पर डिस्काउंट देता है वो उसकी कीमत ऑलरेडी बढ़ाकर दिखाता है, जिससे उस खाने पर डिस्काउंट देने के बाद भी उसे फायदा ही होता है और यही तरीका ज्यादातर कंपनियां अपनाती हैं। जोमेटो की कमाई का दूसरा जरिया है सब्सक्रिप्शन बेस्ड इनकम। दोस्तों, आपने जोमेटो प्रो का नाम कभी ना कभी जरूर सुना होगा या हो सकता है आप में से बहुत से लोग उसे यूज भी कर रहे होंगे। यही जोमेटो प्रो जोमेटो की कमाई का दूसरा जरिया है, जिसमें जोमेटो यूजर्स को पैसे देकर 3 या 12 महीने का प्लान खरीदना होता है, जिसके बदले जोमेटो उनको 40% का डिस्काउंट देने का दावा करता है। प्रेजेंट टाइम में 18 लाख लोग जोमेटो प्रो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जोमेटो काफी ज्यादा मात्रा में रेवेन्यू कलेक्ट करता है। जोमेटो की कमाई का तीसरा जरिया है बिजनेस कंसल्टिंग इनकम। दोस्तों, जोमेटो के पास आज की डेट में ढेर सारा डाटा है। उसको ये पता है कि कौन से शहर में या कौन से एरिया में कौन सी डिश कितने प्राइस पर और किस मात्रा में बिकती है और कौन से सीजन में बिकती है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये डाटा किसी नए बिजनेस या रेस्टोरेंट के लिए कितना मददगार हो सकता है। इसी के कारण बहुत सारे स्टार्टअप्स और रेस्टोरेंट जोमेटो से बिजनेस कंसल्टिंग लेते हैं और जोमेटो उनको ये डाटा प्रोवाइड करवा देता है। जोमेटो की कमाई का चौथा जरिया है एडवर्टाइजमेंट फीस। दोस्तों, आप जब भी जोमेटो की ऐप पर या वेबसाइट पर कोई डिश या रेस्टोरेंट सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ रेस्टोरेंट सबसे ऊपर आ जाते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जोमेटो सबसे ऊपर रैंक कराने के रेस्टोरेंट से पैसे लेता है। जोमेटो की कमाई का पांचवा जरिया है जोमेटो हाइपर प्योर।
इसमें जोमेटो काफी ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल खरीद कर रेस्टोरेंट्स में सप्लाई कर देता है और इन रेस्टोरेंट्स को भी बल्क में रॉ मटेरियल खरीदने पर सस्ता पड़ता है, जिससे जोमेटो और रेस्टोरेंट दोनों का फायदा होता है। दोस्तों, अब आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि जब जोमेटो इतने तरीकों से पैसे कमा रहा है तो जोमेटो के स्टॉक्स इतनी तेजी से नीचे कैसे गिर रहे हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो उसका स्टॉक भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई कंपनी अपने बुरे दौर से गुजर रही है तो उसका स्टॉक भी नीचे ही गिरेगा, क्योंकि शेयर मार्केट कंपनी की परफॉर्मेंस से ज्यादा हाइप पर डिपेंड करता है। जोमेटो के साथ इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, पर आज से एक साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। क्यों कंफ्यूज हो गए ना? चलो कोई बात नहीं, मैं इसे थोड़ा आसान करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, लोगों ने जोमेटो के स्टॉक्स जोमेटो की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बल्कि जोमेटो के द्वारा बनाई गई हाइप की वजह से खरीदे थे, और ये हाइप बनाई गई थी लोगों को कंपनी के फ्यूचर प्लान्स बताकर। कंपनी भारी नुकसान में थी, जिस बात का पता सभी को था, लेकिन लोगों के सामने दो चीजें रखी गई। लोगों को बताया गया कि जोमेटो कुछ ही समय में पूरी फूड चेन को कंट्रोल करेगा और जगह जगह अपने किचन भी खोलेगा, और दूसरा लोगों को बताया गया कि जोमेटो अभी जरूर घाटे में है लेकिन वह बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा। इसे देखकर लोगों ने जोमेटो में जमकर पैसा लगा दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें इस वक्त जोमेटो के स्टॉक्स खरीदने चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ और मैं आपको यहाँ पे कोई सलाह भी नहीं दे रहा हूँ, बस मैं अपनी राय बता रहा हूँ कि इस सिचुएशन में मैं क्या करता। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जोमेटो के 80% लॉक्ड शेयर थे और सिर्फ 20% शेयर ही आम पब्लिक यानी आपके और मेरे जैसे लोगों के खरीदने के लिए बचे थे, और अभी लॉक्ड इन टाइम खत्म होते ही जोमेटो में भारी गिरावट का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स थे वो अपने शेयर सेल कर रहे हैं, और ऐसे में जोमेटो के स्टॉक्स खरीदना थोड़ा रिस्की हो सकता है। ये मेरी अपनी सोच है, बाकी शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में किसी भी रिजल्ट पर पहुंचना काफी मुश्किल है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और जोमेटो कंपनी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।